जय हिंद। तो यार, सिन पेन की समस्या हर एक इंसान को है। मतलब जो भी रनिंग करता है, सिन पेन की प्रॉब्लम हो ही जाती है सबको। सिन पेन का मतलब तुम लोग समझते ही होगे, इतने दिन से दौड़ रहे हो तो पता होगा सिन पेन क्या होता है। सिन पेन की दिक्कत आज हम जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। यकीनन हमने तुमसे एक वादा किया था, इस चैनल पर हम जो भी वीडियोज़ लाएंगे वो इतनी बेनिफिशियल होंगी कि क्योंकि मेरा ये है ना, 1000 वीडियोज़ के बाद हम ये वीडियोज़ बनाना बंद कर रहे हैं, इसलिए हम सारा सब कुछ कॉन्टेंट डाल देंगे। खैर, आते हैं टॉपिक पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिन पेन कैसे हमारा ख़त्म होगा, या फिर सिन पेन होता ही क्यों है। देखो, तीन तरीके हम बताएंगे और तीन ही तरीकों से तुम्हारा सिन पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत पेन हमेशा रनिंग में रहता है, वो चलेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक हम मोबिलिटी यहाँ पे तुम्हें जो दिखा रहे हैं, इसको मोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कि मूवमेंट अच्छा होने लगे पैर का, जो हमारे स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो मूवमेंट हम दिखा रहे हैं, इसको तुम्हें करना है रनिंग से पहले। जब भी तुम्हारी रनिंग स्टार्ट होती है, उसके पहले ये मूवमेंट ज़रूर करना। अब पहले इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, ये एक्सरसाइज इसलिए है ताकि तुम्हारी जो पैर की मसल है, नीचे की मसल है, वो इतनी फ्लेक्सिबल हो जाए। सिन पेन कब होता है? जब तुम्हारा पैर किसी खड्डे में पड़ गया, किसी तुम ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, तभी सिन पेन होता है। तो हम ये मोबिलिटी के जरिए तुम्हारी वो जो मसल है सिन बोन के आसपास वाली, उसको इतना मजबूत कर देते हैं, इलास्टिसिटी इतनी बढ़ा देते हैं उसमें, कि अगर कहीं ऐसी जगह पड़ भी गया पैर, तो हमारे पैरों पर उतना लोड नहीं आएगा, जिससे कि सिन पेन की दिक्कत हमें नहीं होगी। तो पहली चीज, तुम्हें ये जो मोबिलिटी है, इसको डेली करना है अपनी रनिंग के पहले, ठीक है। बारिश हो रही है तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। दूसरी चीज़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं जूते। अब देखो, सिन पेन ऐसे नहीं, नॉर्मल रोड पे कभी नहीं होता है कि अगर तुम मिट्टी वाली रनिंग कर रहे हो, ग्राउंड पे दौड़ रहे हो, बहुत कम होता है। लेकिन जब तुम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो, जैसे कि रोड हो गई, कोई उबड़ खाबड़ जगह हो गई, यहाँ पे पेन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर का कॉन्टैक्ट उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है ज़मीन से। तो इसलिए दूसरे नंबर की चीज़ है, वो है जूता। एक अच्छी क्वालिटी का जूता आज ही खरीद लो, और हमने जूतों के कई सारे ब्रांड के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे जूतों के लिंक मिल जाएंगे, कोई भी ले सकते हो। तो दूसरी चीज़ है, जूते बेस्ट क्वालिटी के पहनने पड़ेंगे, और ये करना पड़ेगा क्योंकि सिन पेन बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी रनिंग में। अगर हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़, अब देखो, तुमने ये भी मोबिलिटी भी कर ली, पैर को स्ट्रांग भी कर लिया, जूते भी ले लिए ताकि कवर बना रहे पैर में। तीसरी चीज़ है डाइट। डाइट बहुत ज़रूरी है रनिंग के लिए, ये हमने हमेशा बताया है। लेकिन डाइट में क्या लें कि जिससे हमें दिक्कतें ना हो? गुड फैट्स। अब गुड फैट्स के ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, फिर भी हम एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं। आपके पास अगर ड्राई फ्रूट खाने के पैसे हैं, वो ले लो। अगर आपके पास सीड्स खाने के पैसे हैं, वो ले लो। अगर घी खाने के पैसे हैं, वो ले लो। अगर इन सबको मिला के आगे भी कुछ पैसा है, तो ओमेगा 3 फिश ऑयल आता है, ठीक है, जानते होगे सब लोग, वो एक ले लो और डेली एक लेने लगो। उससे क्या होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और हड्डियों के आसपास की जो मसल है उसको भी, जिसको बोलते हैं मसल बोन, वो भी मजबूत होती है, जिससे कि हमें सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जब सिन पेन हो जाता है, उसके बाद क्या करना चाहिए, उससे अच्छा ये ध्यान रखो कि सिन पेन हो ही ना। अगर होता भी है तो हम जल्दी से रिकवर कर जाएं। तो ये बस तीन तरीके हैं जिनसे तुम सिन पेन हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।